हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्विक 3DS में। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्रिएटिंग पैरामेट्रिक बेंच इन 3DS मैक्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैक्स ओपन कर लिया मैंने। सो यूनिट सेटअप सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। इंच में मैं कर रहा हूँ और यहाँ से हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे शेप, ठीक है। सो बेंच का हम एक शेप फ्रंट में जाके और एक कुछ भी एक डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये उसका ऊपर का पोर्शन और ये नीचे का, ठीक है, इस तरीके से। सो पैरामेट्रिक बेंच हमने करना है। सो इसका शेप थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए। सो ये इस तरीके का हमने एक क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये एक शेप हमने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। सो इसके बाद हम क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद हम टाइमलाइन पे खेलेंगे। 0 से 100 है, यहाँ से हमने ऑटो की ऑन करना है और यहाँ से सेट की क्लिक कर देना है। इसके बाद हम 50 फ्रेम पे जाएंगे, ठीक है। और इसको भी हम मूव करेंगे वाई एक्सिस पे। इसको हम कर लेते हैं 5 फीट के करीब, ठीक है। अब 5 फीट में हम इसकी शेप जो है उसको चेंज कर दें। इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर, इसको कर देंगे थोड़ा सा, मतलब कुछ अलग होना चाहिए, ठीक है। उससे सो ये हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ये देखिए 0 पे ऐसा है और 50 पे ऐसा। उसके बाद अब हम जाएंगे 100, ठीक है। 100 पे हम इसको y एक्सिस पे फिर से कर देते हैं 5 फीट और आगे, ठीक है। और यहाँ पे हम इसकी जो शेप है इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे अब इसको यहाँ पे हम कर देते हैं छोटा, ठीक है, कुछ अलग कर देते हैं। इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा 0 से 100 तक हमने इसको एक, ठीक है, अलग अलग शेप में कर दिया। 0 में अलग, 50 में अलग और 100 में अलग कर दिया, ठीक है। ये हमने क्यों किया अभी मैं आपको बताऊंगा। सो सबसे पहले इसको हम 0 पे सेट कर लेते हैं। अब हम इसमें डालते हैं एक्सट्रूड, ठीक है। एक्सट्रूड को हम कर लेते हैं 1 इंच के करीब इसका एक्सट्रूड अमाउंट। और अब हम जाएंगे टूल्स में, यहाँ पे हमारा आता है स्नैपशॉट, इसको हम ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे हम रेंज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हमें रेंज 0 से 100 के बीच में जो रेंज हमने अभी बनाई है, ठीक है। सो कॉपीज़ हम यहाँ से लेते हैं तकरीबन 50 और यहाँ से हम मैश इसका लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम ओके कर देते हैं। अब आप देखिए, ठीक है, अभी आपको क्लियर हो गया होगा किस क्यों हमने मतलब लिया था, ठीक है। 50 पे हमने अलग शेप दिया था और 100 पे अलग। सो जैसा आप शेप देंगे उसी तरीके से ये, ठीक है, उसी तरीके से ये बनेगा इस तरीके से। सो अगर आपने 100 में कुछ अलग शेप दिया होता तो ये अलग बनता, ठीक है। ये देखिए, अब इसमें गैप कुछ ज़्यादा है, थोड़ा सा इसको हम और एक बार और जाते हैं स्नैपशॉट में और इसकी कॉपीज़ हम यहाँ से बढ़ा देते। इसको करते हैं हम 70 और इसको करते ओके, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ डबल डबल आ गए, सो आप इसको मैन्युअली डिलीट कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर आपको शेप में कुछ डिफरेंस चाहिए, ठीक है, ये चीज़ ऊपर चाहिए नीचे चाहिए, सो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को सेलेक्ट करके और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एडिटेबल पॉली में। और इसके बाद सिंपली हमने इन सबको अटैच कर देना है, ठीक है। सो अटैच के लिए हम जाएंगे यहाँ से हम अटैच में जाएंगे, ठीक है, अटैच लिस्ट, और यहाँ से हम कंट्रोल ए कर देते हैं एंड अटैच ऑल, ठीक है, सारे हमारे अटैच हो गए। उसके बाद हम वर्टेक्स सेलेक्ट करके और यहाँ पे सॉफ्ट सेलेक्शन में जाएंगे, इसमें यूज सॉफ्ट सेलेक्शन, ठीक है। ये देखिए,
अब इसमें क्या होता है, आपको अगर कोई पोर्शन नीचे करना है इसका, सो बड़े इजीली आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। और अगर स्मूथ में चाहिए सो इसको हम और स्मूथ कर सकते हैं। इस तरीके से हम बाद में भी इसको ऊपर नीचे, ठीक है, ये चीज़ें कर सकते हैं इस तरीके से। सो गाइज होपफुली ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है, एक और तरीके से। इसको भी हम रख लेते हैं, ठीक है। और एक और मैं आपको बताता हूँ, सपोज़ हमें सर्कुलर उसमें चाहिए, ठीक है, बेंच गोल। सो यहाँ से हम एक सर्कल क्रिएट कर लेते हैं, और ठीक है, ये एक हमने टॉप से एक सर्कल क्रिएट किया है, और फ्रंट में जाके एक और सर्कल हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, इसके मिड में। इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, इसको हम रेडियस कर देते हैं इसका 10, और इसको हम कर देंगे एडिटेबल स्प्लाइन में कन्वर्ट, और इसको कर देते हैं एक्सट्रूड, ठीक है, 1 इंच के करीब हमने इसको एक्सट्रूड कर दिए। अब हम क्या करते हैं, इसको हम एनिमेशन देते हैं। सो एनिमेशन में यहाँ ऊपर जाएंगे, और यहाँ से हम इसको कर देते हैं कांस्टेंट एंड पाथ कांस्टेंट, ठीक है, ये देखिए। सो इसका 0 से 100 के बीच में ये एनिमेशन हो गया। अभी ये सही से मूव नहीं हो रहा है, ठीक है, ये देखिए टेढ़ा। सो इसको हम यहाँ से फॉलो पे क्लिक कर देंगे और 0 पे जाएंगे, 0 पे इसको हमने रोटेट कर देना है, एंगल स्नैप ऑन करके, ठीक है, यहाँ से एंगल स्नैप 45 डिग्री पे कर देते हैं इसको हम 90 डिग्री पे हमने कर दिया है। अब देखिए, अब इसको हम अगर मूव करेंगे सो ये बिल्कुल सही तरीके से मूव हो रहा है, ठीक है। सो 0 पे हमने कर दिया। अब सेम वही प्रोसेस हम यहाँ से स्नैपशॉट करेंगे, और इसको हम अभी फ़िलहाल 70 पे ही रहने देते, और यहाँ से अब हम मैश नहीं करेंगे, यहाँ से हम लेते हैं इंस्टांस, ठीक है, इसको कर देते हैं ओके। अभी इसमें गैप ज़्यादा है सो बढ़ा देते हैं हम इसका, फिर से हम स्नैपशॉट में जाते हैं और इसको हम कर देते हैं 120 ओके, ठीक है, हमने इंस्टांस किया है, ठीक है। अब हम इसके वर्टेक्स में जाएंगे, और यहाँ से हम शो एंड रिज़ल्ट ऑन रखेंगे ताकि हमें दिखता रहे हमने कैसे क्या क्या चेंज कर रहे हैं, ठीक है। सो इस चीज़ को हम देखिए ऐसे ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है, ये सब एक साथ हो रहे हैं। सो हमें बेंच क्रिएट करना है, सो हम इसको नीचे करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, ये देखिए। और यहाँ वाला जो पोर्शन है हमारा, इसको हमने करना है ऊपर। आप अपने हिसाब से इसको जितना भी ऊपर करना चाहते हैं, ठीक है। सो ये हमारा एक सर्कुलर बेंच बन गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम और भी इसमें मॉडिफिकेशन वगैरह जो है, इसको स्मूथ वगैरह करना है, सो आप अपने हिसाब से इसमें वर्टेक्स ऐड करने हैं। सो वर्टेक्स भी आप चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगर वर्टेक्स ऐड करना चाहते हैं, इसको नीचे करना चाहते हैं, और ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। सो इसमें काफ़ी कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप फिलेट कर सकते हैं तो फिलेट भी हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हल्का सा। वेल गाइस, जैसे हमने इसमें इसको एडिटेबल मैश पॉली में कन्वर्ट करके और इसमें कुछ वेरिएशन लाए दें, सो सेम प्रोसेस हम इस वाले में भी कर सकते हैं। सो उसके लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इसको हम सबसे पहले इसका जो सर्कल है ये हटा देते हैं हम, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, और एक ये अनयूजुअल सा लग रहा है, इसको हटा देते हैं। ये हम कर देते हैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, और इसको हम आइसोलेशन में ले जाते हैं, किसी भी एक को सेलेक्ट कर लेंगे और इसके वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे, और इसको हम कर देते हैं यहाँ से अटैच लिस्ट।
सो यहाँ से हम इसको अटैच कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, वर्टेक्स हमने सेलेक्ट करना है, सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन कर देना है, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन अगर हमें ऊपर, ये देखिए, ठीक है, नीचे करना है, सो इसको हम नीचे कर सकते हैं यहाँ से। ये वाला पोर्शन ऊपर करना है, इसको ऊपर कर सकते हैं। ये आगे का जो पोर्शन है इसको अगर हम आगे करना चाहते हैं, सो इस तरीके से हम ये आगे कर सकते हैं, ठीक है। सो अपने हिसाब से हम इसको कम अगर करना चाहते हैं यहाँ से, फॉल ऑफ आप कम कर दीजिए, ठीक है, अगर आपको कम एरिया पे इसका इफ़ेक्ट चाहिए, ठीक है। सो इस तरीके से हम इसका इसको और कम कर लेते हैं, ये देखिए। सो आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम इसको एक वेरिएशन दे सकते हैं। सो आप अपने हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से इसको डिज़ाइन दे सकते हैं अपने हिसाब से। फ्रेंड्स, अगर आप 3D लाइब्रेरी चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा quick3ds.com पर, और यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हैं सबसे ऊपर 3D लाइब्रेरी लिखा हुआ है। सो इस पर आपने क्लिक करना है, एंड क्लिक करते ही आपके पास 3D लाइब्रेरी आ जाएगी, जहाँ से आप बेडरूम, चिल्ड्रन वार्डरोब, मॉडर्न किचन, सोफ़ा, बाथरूम, बेडरूम कलेक्शन, कंप्यूटर डेस्क, डोर और भी बहुत सारी लाइब्रेरी देख सकते हैं। सो देखने के लिए सिंपली आपने, सपोज़ आपको लिविंग रूम की लाइब्रेरी देखनी है, सो आपने शो पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एक गूगल ड्राइव का लिंक खुल जाएगा जिसमें कि इमेजेस होंगी, JPG इमेजेस, ठीक है। सो यहाँ से आप किसी भी इमेज पे जाके देख सकते हैं। सो सिंपली डबल क्लिक आप करेंगे, सो इमेज आपके सामने दिख जाएगी। सो ये इमेज की मैक्स फाइल भी है, ठीक है। सो अगर आप परचेज करना चाहते हैं, सो उसके लिए आपने वेबसाइट में जाना है दोबारा, एंड वेबसाइट में आप यहां से देखेंगे व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है, इस पर आपने क्लिक करना है, और यहां से व्हाट्सएप लिंक जो है वो ओपन हो जाएगा। सो यहां से आप मेरे को चैट कर सकते हैं, जो भी लाइब्रेरी आपको चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर इसको शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इसको देख सके और उनको भी कोई नॉलेज मिल सके। सो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।